देखिए ऐसा है कि ये पूरे पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं कभी उपचुनाव जो है वहां होने थे तो वहां पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसको डिक्लेयर किया है। बहुत से विपक्षी दल जो हैं वो बार बार ये बात कहते थे कि इलाहाबाद के चुनाव को टाला जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा टालने जैसी कोई बात नहीं थी। ये प्रेरोगेटिव होता है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने निर्णय लिया और पूरे भारत के अंदर जहाँ कहीं भी उपचुनाव हैं तो वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जिसके अंदर हमारा सिरसा का इलाहाबाद जो है विधानसभा वो भी इसमें आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेगा, क्योंकि जिस तरह का जो है उन्होंने जो वहाँ पर पहले जो विधायक रहे तो उन्होंने एक जिस तरह का एक ड्रामा किया कि पहले इस्तीफा दिया उसके बाद आज फिर से उसको वापस, मैं तो कहूँगी कि चुनाव में झोंक दिया उस विधानसभा को, तो वो जब पहले विधायक थे तो अब क्या नया ऐसा हो गया कि लोग ये बात समझेंगे कि उनको फिर से विधायक बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि जितना काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार ने किया है उतना आज तक पहले कभी कांग्रेस सरकार ने किया नहीं किया। कांग्रेस सरकार में दो दो रुपए के, तीन तीन रुपए के चेक जो है हमारे किसान भाइयों को मिले, उन बातों को वो समझते हैं। मुआवजे की बात करें तो वो भी हमारे किसान भाइयों को, खासकर सिरसा जिले में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मुआवजा जो है वहां पर हमारे किसान भाइयों को मिला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेगा। मैडम, किसानों को देखते हुए ये जो है सीट खाली कराई गई थी, इस्तीफा दिया था, क्या लगता है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक बार फिर? नहीं, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बताइए कि वो वहां से इस्तीफा देने के बाद उसमें क्या क्या तब्दीली क्या आई है, उससे क्या फर्क क्या पड़ा, उससे असर क्या पड़ा है? बल्कि एक तरह से उसको झोंक दिया गया, वो फिर से जो हमारे टैक्स पेयर का खर्चा है उसके अंदर फिर से उसमें लगने वाला है। तो मुझे लगता है ये सब बातें हमारे किसान भाई समझेंगे, और जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को वहाँ पर, चाहे हम प्रधानमंत्री निधि की बात करें, किसान निधि योजना की बात करें, उनको जिस तरह से दो दो हज़ार रुपये जो है वो तीन किस्तों में मिले हैं उनको, तो ये सब मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो विजय दर्ज करेगा। मैडम, चुनाव है, चुनाव में किसान कितने आपके लिए अड़चन बनेंगे? देखिए ये जैसा आपने देखा है, ये कांग्रेस का और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ से प्रायोजित किया गया कार्यक्रम है, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में या कि हमारे इलाहाबाद में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि नेताओं का लगातार हरियाणा के अंदर विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि जो विपक्षी दल हैं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, तो वो धरातल पर क्योंकि जमीन खो चुके हैं, तो वो अपनी वापस वो पाने